नमस्कार दोस्तों, आप सीए संजीव सोनी के चैनल पे सीए संजीव सोनी से बात कर रहे हैं और उनकी वीडियो देख रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज में दो वीडियोस पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दी है। ये सीरीज तीन में आपका तीसरा वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप इसे मिस ना करें, क्योंकि पहले के दो जो वीडियोस हैं उनके लिंक के साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग आगे मोड़ लेने वाला है। आपको मैंने ये कहकर ख़त्म किया था पिछले वीडियो में कि वो रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। अब आगे ये होता है कि उस रिपोर्ट को सबमिट होने के बाद उसका प्रोसेस करके फाइनली एक क्वेरी निकलती है कि भाई रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी है, इसका रीइंस्टेटमेंट कम्प्लीट हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकॉर्ड सबमिट हो जाते हैं और वो रिकॉर्ड इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर्स को सौंपती है, जिसमें कि बिल्स और उसमें कि बैंक स्टेटमेंट और लेजर अकाउंट्स ये सब दिया जाता है कि भाई उनकी बिल्डिंग और मशीनरी उन्होंने जो डैमेज हुई थी वो रीइंस्टेट कर लिया, उसको आप चेक करके आप एक रीइंस्टेटमेंट का कंफर्मेशन कर दीजिए। तो दोस्तों रीस्टेटमेंट पॉलिसी जो होती है उसमें दो तरह की रीस्टेटमेंट हमें चेक करनी होती है, एक फाइनेंशियल रीस्टेटमेंट और दूसरा फिजिकल रीस्टेटमेंट। ये टॉपिक अगर आपको याद होगा कि मेरे एक छः वीडियोस में से एक चैनल के ऊपर वीडियो ऐसा भी है जिसमें रीस्टेटमेंट क्लॉज को मैंने डिस्कस किया था, तो ये रीस्टेटमेंट क्लॉज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ध्यान करें तो रीस्टेटमेंट पॉलिसी के अंदर सर्वेयर की ड्यूटी दो तरह से है, एक फिजिकल रीइंस्टेटमेंट यानी कि उसको उस साइट पे जाके जो डैमेज हुआ था उसको चेक करना होता है कि वो ठीक हो चुका है और उसकी फ़ोटो लेनी होती है, जो कि इस केस में भी लिया गया। और सेकेंडली रीइंस्टेटमेंट फाइनेंशियली का मतलब होता है कि उन्होंने जब फिजिकली सारा काम कर लिया तो पैसे तो खर्चे ही, तो उनके जो बिल आए उसका पेमेंट बैंक से हो चुका है, बैंक में डेबिट हुआ कि नहीं हुआ और उनकी बुक्स में आया कि नहीं आया, तो ये सब इस केस में वेरीफाई किया गया। जैसे कि बिल्स आए, पेमेंट हुई, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट भी हुई, उनके लेजर्स में भी आई और जो कि कोरिलेट हो गई विद द एक्चुअल फिजिकल रीस्टेटमेंट चेक्ड बाय द सर्वेयर। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल जो लेटर ऑन उठता है वो यही उठाया गया कि क्या ये बिल सर्वेयर की ड्यूटी बनती है कि वो एक एक पार्टी, यानी अगर बिल्डिंग के लिए उस पार्टी ने कोई सीमेंट खरीदा, कोई गारा खरीदा, कोई कुछ और बदरपुर खरीदा या ईंटें खरीदी, उसको पार्टी इसके पास जाके जहाँ से वो खरीदी उसको रिपेयर करने के लिए उसको चेक करे, उनके बैंक पे जाए और वहाँ से उनके बैंक में जाके देखे कि जो पेमेंट यहाँ पे डेबिट हो रखी है हमारे क्लाइंट के यहाँ वो वहाँ पे उसको मिली कि नहीं मिली, क्रेडिट हुई कि नहीं हुई। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं एक अलग से टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि इस पूरे सेंसेशनल केस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ड्यूटीज़ एंड पावर्स में सर्वेयर्स के आता है कि ही हैज़ टू गो टू द वेरियस पार्टीज जो कि माल परचेज करते हैं या सेल करते हैं क्लाइंट, या फिर रीस्टेटमेंट के वक़्त जो बिल्स खरीदा, माल खरीदने के ऊपर पेमेंट किया, बिल लिया, उसको वेरियस पार्टीज के पास इंटरफेस करके यानी खुद जाके वहाँ पे उनके ठहिये पे जाके, उनके दुकानों पे जाके, उनके लोकेशंस पे जाके उसको चेक करना है और बैंकों में जाके उनके ही पेमेंट्स देखनी है कि उनको मिली कि नहीं मिली, क्या ये पावर्स हैं या नहीं है। यही एक बहुत बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन और सेंसेशन इस केस में है जो कि मैं आपसे सेपरेटली डिस्कस करूंगा। लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद ये रीस्टेटमेंट जब चेक कर लेता है सर्वेयर और एक कंफर्मेशन कर देता है फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली वो, लेकिन इस केस में एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो बिल्डिंग है सर्वेयर ने बिल्डिंग की असेसमेंट CPWD शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से की थी और उसका वैल्यू एट रिस्क भी CPWD रेट शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से किया था। अब क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि
जो बिल्डिंग के ऊपर रीस्टेटमेंट की गई, अगर उस रीस्टेटमेंट का जो खर्चा है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्स अमाउंट आता है, जबकि सर्वेयर जब सर्वे करके अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसने CPWD शेड्यूल ऑफ रेट्स के बेस पे अपनी असेसमेंट बनाई, अपना वैल्यू एड्रेस बनाया और उसी बेस पे कंफर्म किया कि चूंकि CPWD शेड्यूल ऑफ रेट्स के बेस पे लॉस उसका असेसमेंट फेयर है, रीजनेबल है और कम आ रही है, और दूसरा वो बिल्स जो है उसने कंडम किए, उसने एक्सेप्ट नहीं किए, उसने कहा कि मैं इन बिलों के बेस पर नहीं कर रहा असेसमेंट क्योंकि उससे ज़्यादा आती है, तो उस सर्वेयर ने अपनी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द बिल्डिंग CPWD रेट्स किया और ये रिपोर्ट अपना सबमिट कर दिया, और यहाँ आके हमारा रिपोर्ट सबमिशन एंड केस में एक फाइनल टच ये है कि ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने सब्सिक्वेंटली उसको प्रोसेस करके 1,38,00,000 पे सेटल किया। थैंक यू। अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक, चौथा टॉपिक जो मेरा इस सीरीज से जुड़ा हुआ है उसके अंदर मैं एक नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला हूँ, जो कि आपको इसके साथ जो बातें बताई है वो जुड़ा हुआ आस्पेक्ट है और उसके ऊपर आपको सोचने के ऊपर और आपको एक ज्ञानवर्धक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आपको एक नॉलेज देने के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। नमस्कार।